अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में और आरजे रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मदर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर। बड़ी शुक्रिया इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो भाई लोगों, कल 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था। इस मौके पर कोई तोहफे में गुलदस्ता लाया, कोई मिठाई लाया, कोई कंबल लाया और पाकिस्तानी टीम ने जीता हुआ मैच ही हमें तोहफे में दे दिया। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं तहजीब। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ऐसा मैच जो पाकिस्तान की जेब में पड़ा था, मगर उन्होंने अपनी जेब फाड़कर वो मैच भारत की गोदी में डाल दिया। वाह रे वाह पापियों, पाकियों पाकियों, गजब ही पैदल टीम हो यार। इतना गंदा कौन खेलता है भैया। 20 ओवर में तुम्हें 120 रन बनाने थे, तुमने 12 ओवर में 2 विकेट पर 73 भी बना लिए थे, मगर फिर तुम लास्ट में 6 रन से मैच हार गए। सच बताओ यार, इतना गंदा कैसे खेल लेते हो। क्रिकेट मैच खेलने के लिए ट्रेनिंग तुम आर्मी से लेकर आते हो और क्रिकेट तुम चौथी के बच्चों से भी गंदा खेलते हो। आर्मी से ट्रेनिंग लेने के बजाय तुम दीवारों पर गुप्त रोग के विज्ञापन लिखना ही सीख जाओ, कम से कम खाली वक्त में 2 पैसे तो बना लोगे। तंग किया गया फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार, बाबू बाबू मेरा बाप मेरा बच्चा। वैसे भी कोई ढंग की टीम तुम्हारे यहाँ खेलने आती नहीं है, तुम्हें अपने यहाँ कोई बुलाता नहीं है, तो खाली वक्त तो तुम्हारे पास वैसे भी होगा बहुत ज्यादा। मतलब एक बात बताओ, पहले खेलने वाली टीम 119 रन पर आउट हो जाए तो समझ में भी आता है कि उस बेचारी को पता नहीं होता कि ये विकेट कितने रन के लायक है। वो विकेट रीड नहीं कर पाए होंगे, तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए होंगे। मगर तुम चप्पल चोर तो बाद में खेल रहे थे बे, तुमने तो विकेट को रीड भी कर लिया था, तुम्हें पता भी था कि इतने ओवर में इतने ही रन बनाने, फिर भी तुम कटोरे पुत्र, सही नाम है कटोरे पुत्र, तुम इतने निकम्मे हो कि 120 रन से पहले हक दिए। माना कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले तुम्हारी बीवियों ने कहा था कि हमारे लिए अमेरिका से हार लेकर आना, मगर चौथी फेलो, उस हार का मतलब मैच हारने से नहीं था, उस हार का मतलब उस हार से था जो पैसों से खरीदा जाता है। पैसा वो चीज होती है जो जीतने पर मिलता है, और जीत वो चीज होती है जो छोड़ो, अब जीत क्या होती है अगर मैं तुम्हें समझाने लगूंगा तो ये वीडियो 10 मिनट की बजाय 10 महीने का बन जाएगा। तुमसे अच्छे तो अमेरिका की तरफ से खेल रहे हमारे एनआरआई लौंडे हैं, जो बेचारे वहाँ आईटी की नौकरी करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से खेल कर पराए मुल्क में अपनी इज्जत करवा रहे हैं, और तुम जैसों को पेल कर जलील अलग कर रहे हैं। और एक तुम लोगों ले देकर तुम्हें क्रिकेट ही खेलना आता है, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी जैसी है उसमें तो तुम्हें अमेरिका की आईटी कंपनी में नौकरी देना तो छोड़ो भाई साहब, तुमको तो कोई कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर बिरयानी की रेड़ी न लगाने दे। खैर, इससे पहले कि कल के मैच पे हम पाकिस्तानियों की ओर सुझाएं, आपको बता देता हूं कि आप ओपिनियन देकर पैसे कैसे कमाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो, एक ऐसा ऐप जहां पर आप सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देकर ढेरों प्राइजेस जीत सकते हो। बड़े आसान से सवाल आपको प्रोबो ऐप पर मिलेंगे, सिर्फ हाँ या ना में आपको अपनी ओपिनियन देनी। जैसे एक सवाल आपको मिल जाएगा कि क्या 12 जून को इंडिया यूएसए के सामने जीतेगा T20 वर्ल्ड कप में, यस या नो। मैंने तो यस पे क्लिक किया, जीतना भी चाहिए। क्या 13 जून को वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के सामने जीतेगी, यस या नो। ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए मर्सिडीज और महिंद्रा थार, और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। RJ500 कोड यूज करेंगे तो आपको 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिलेगा मेरे यार। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते। खैर, जो भाई बंधु नहीं जानते उन्हें बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ कल मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 119 रन बनाए थे। हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम कभी भी अपनी लुटिया डुबो सकती है, मगर फिर भी 20 ओवर में 120 रन बनाने के लिए खास टैलेंट चाहिए होता है। फिर भी 120 रन इतना छोटा टोटल था कि आप तब तक नहीं हार जाते जब तक कि मैच हारने के बदले कोई अपनी लड़की आपसे ब्याह न दे। मगर नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा कि भाई तुमने हमें समझ क्या रखा है, तुम हमारी हगने की क्षमता को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो, लो हम तुम्हें दिखाते हैं हक के। फिर पिच पर उन्होंने जो खो खो खेला है ना लोटे के साथ, ओहो क्या बताऊं भाई साहब। बस फिर क्या था, 72/2 से पूरी टीम अगले 8 ओवर में सिर्फ 40 रन बना पाई। और जब मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि 72 रन के बाद पाकिस्तान की टीम टे बोल गई, तो मुझे समझ में आया कि इन लोगों को 72 के आगे वैसे भी अपना मकसद समझ नहीं आता। फिर चाहे वो 72 रन हो या 72 मैं नहीं लिखूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखो। इसलिए ये टीम के 72 रन बनते ही सबको लगा कि अब और क्या ही रन बनाए, और ये सब भेड़ों की तरह एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे चल दिए। सोच रहा हूँ कि अमेरिका जैसी टीम ने तो पाकिस्तान को पहले ही पेल दिया है, कल भारत के हाथों भी वो लोग जलील हो गए। इतनी भुखमरी, कंगाली, जहालत और जलालत के बीच इंडिया के खिलाफ मिलने वाली जीत ही एक ऐसी चीज है जो पूरे पाकिस्तान को कब्र से उठाकर जिंदा कर देती है। कल ही वो मौका था जब ये नंग धड़ंग देश अपने सारे फटे हाल भूल कर इस बात पर बताशे बांटता कि देखो हमने इंडिया को हरा दिया। कल ही वो मौका था जब इनके जिहादी क्रिकेटर्स इस जीत के जोश में फिर से हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान दे डालते।
कल ही वो मौका था जब रिजवान जैसे मौलाना मैदान पर ओवर एक्टिंग करते हुए लौटने लगते, मगर नहीं, ये 11 छछुंदरों की फौज मिलकर भी ये छोटा सा टारगेट अचीव नहीं कर पाई। बांधा इनसे अपने पैजामे का नाड़ा नहीं जाता और चाहिए इनको कश्मीर। जैसा इनका खेल है ना भैया, इनको तो डोसे के नारियल की चटनी तक नहीं मिलनी चाहिए। यही मौका है जब अमरीकी सरकार को पहले से आगाह कर दूं कि सुनो अमरीका वालों, हो ये पाकिस्तान हर बार इंडिया से हारने के बाद अपने देश नहीं जाते, इस बार तो ये वैसे भी अमरीका आए हैं। पाकिस्तान न जाकर अमरीका में ही इधर उधर हो जाने की इनकी टेम्पटेशन का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो लोग अपने फैंस के साथ मिलने के $25 ले सकते हैं, अगर कल को इन्हें ये पता लग गया कि अमरीका में मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बेचने वाला लौंडा कितना कमाता है, तो कसम से ये सारी टीम होटल की छत से कूद कर रात को ही फरार हो जाएगी। वैसे भी तुम लोग जान का खतरा होने पर दूसरे देशों के नागरिकों को शरण दे देते हो। भारत से हारने के बाद ये पाकिस्तानी खिलाड़ी तो एक चुटकी में ये साबित कर देंगे कि वापस जाने पर पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। इसलिए भाई तुम इन लोगों का देख लेना, हो सके तो ये लोग अगर बाथरूम भी जाएं तो अपना एक आध सिक्योरिटी गार्ड साथ भेज देना, ये लोग बाथरूम की खिड़की से भी फरार हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। मेरे तो पाकिस्तान की सरकार से भी शिकायत है, मैं पाकिस्तान के वजीर आजम से कहना चाहता हूँ कि जनाब, अगर हर बार आपको अपनी टीम विदेशों में भेजकर मुल्क की नाक कटवानी ही है तो सिर्फ क्रिकेटरों को ही क्यों मौका दिया जाए? अगर हर बार हारना ही है तो अगली बार क्रिकेट टीम में कुछ शायरों, हलवाइयों और स्कूटर मैकेनिकों को भी वर्ल्ड कप खेलने भेजा जाए। कम से कम आप दुनिया को ये तो कह सकोगे कि क्या हुआ हम हारे, हम दुनिया भर में घूमकर मुल्क की बेइज्जती करवाने का मौका सबको देते हैं। सही पकड़े हैं। हमारे यहाँ तो क्रिकेटर ही नहीं, पंचर लगाने वाले भी क्रिकेट खेलकर मुल्क का नाम खराब करते हैं। सही बोल रहा हूँ चचा, एक बार ऐसा करके देखो, जब हारना ही है तो हर कौम के बंदे को टीम में चुनकर उसे मौका दो, है कि नहीं? बात तो सही है। मगर पता नहीं क्यों हारने को लेकर आप लोगों के शौक भारत की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों जैसे हैं, जिन्हें हर बार उसी एक चेहरे के नाम पर चुनाव हारना होता है। बताइए, मतलब यार रिजल्ट नहीं बदल सकते आप लोग, कम से कम चेहरा तो बदल लो। खुद पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पूछकर देखो, उन्हीं दो चार खिलाड़ियों को बार बार गाली देकर वो लोग भी बोर हो चुके हैं। वो गाली में नयापन नहीं ला सकते तो तुम उन लोगों में ही नयापन ले आओ जिन्हें हर बार गालियां पड़ती। आखिर कब तक रिजवान, बाबर, फकर और चाचू ही पूरे मोहल्ले की गालियां सुनते रहेंगे? अरे जनता के सामने कुछ नए लौंडे भी पेश करो भैया। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। खैर, अपने को क्या करना है, हम तो इस बात से खुश हैं कि इतना पैदल खेलने के बाद भी हम लोग जीत गए, मगर ये जीत टीम इंडिया के लिए भी वेकअप कॉल है। सच कहूं तो पाकिस्तानियों की औकात अब जिम्बाब्वे और नामीबिया जैसी टीमों से ज्यादा नहीं है। हो सकता है नामीबिया और जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान के साथ उनका कंपैरिजन करने पर मुझ पर ही मानहानि का मुकदमा न कर दें। ये क्या बात करते हैं यार। मगर सच तो ये है कि भारत ने अगर यही परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई होती तो बुरी तरह हम लोग पेले जाते। इसलिए अब भी वक्त है, अपने गेम का लेवल अप करो भैया, वरना 50 ओवर वर्ल्ड कप की तरह किसी बड़े मैच में किसी और ट्रेविस हेड के हाथों हम लोग सूद दिए जाएंगे। इसलिए चचा रोहित, भाई कोहली और बहन के देवर शिवम दुबे, अब भी वक्त है, अपने अपने टायरों में हवा भर लो, अपनी अपनी साइकिलों की चेन को ग्रीस लगवा लो, क्योंकि ग्रुप गेम खत्म होते ही तगड़े मैचों का नंगा नाच होने वाला है। उम्मीद करते पाकिस्तान के खिलाफ मिली ये जीत भारतीय टीम के लिए वैसा ही सबक होगी जैसे लोकसभा चुनाव में 240 सीटों के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी को मिली है। सही बात है। मतलब एक बार तो हारने से बच गए पर अगली बार का भरोसा नहीं है, तो भाई लोगों गेम का लेवल थोड़ा अप कर लो, वरना पाकिस्तानियों की तरह गेम अप होने से पहले हमारा टाइम अप हो जाएगा। बूझे कि नहीं बूझे? बाकी आप इस वीडियो से क्या बूझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस गंदी हार के बाद पाकिस्तानी टीम की शान में अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपनी तरफ से मैं ही शुरुआत कर देता हूँ, और भैया पाकिस्तानियों सूजी है। बाकी आप भी क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करना ना भूलें प्रोबो ऐप, क्योंकि ओपिनियन से पैसे कैसे कमाने हैं ये प्रोबो से बढ़िया कोई नहीं बताता। RJ500 कूपन कोड लगाओगे तो ₹500 तक का वेलकम बोनस भी मिलेगा, सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देकर ढेरों पैसे जीत सकते हो। बाकी जाने से पहले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे दबा के शेयर करना, और इतना शेयर करना कि बाबर आजम के भी व्हाट्सएप पर ये वीडियो टनटनाती हुई पहुंच जाए। जल्दी मिलते हैं एक और मस्त वीडियो के साथ, यहीं पर अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, जय हिंद। मौका जी, चलो जी, गुड बाय, जय हिंद। मौका जो है यहाँ पे लगना चाहिए। सीरियसली गेम मैंने कमेंट्स भी किए हैं, मैंने स्टेटस भी लगाया है कि बोथ टीम प्लेड वेल, दोनों ने अच्छा खेला है और दोनों ने जंग की है, क्योंकि जितना स्कोर था वो 120 रन ऑफ बॉल स्कोर था, ठीक है, 20 ओवर है, 120 बॉल होती है, 120 ही आपने बनाना है, आपने तो सिंगल डबल करनी है और स्कोर बन जाना है। और पिच नो डाउट मुश्किल थी, क्योंकि मैं अंदाजा लगा रहा था लास्ट मैच उस पिच पे हुआ था, वो मैं कह रहा था अपने दोस्त को कि यार जो बंदा पहले बैटिंग करेगा फंस जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा पिच क्या बिहेव कर रही है, बाउंस कर रही है, स्पिन कर रही है, इतने में वो सेटल होंगे
वो होते होते ही जनाब अपनी टीम पूरी की पूरी जनाब डाउन करवा लेंगे। वही इंडिया के साथ हुआ, जैसे टॉस हुई बारिश आ गई मौसम ऐसा, मैंने कहा लो जी बेड़े गर्क हो गए हैं कन्फर्म बात है। तो विराट कोहली ओपन नहीं कर सकता, उसको ओपन भेज दिया और इन्होंने स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट रखी कि अटैक करेगा तो चलो उसका प्रेशर लेंगे ये लोग, प्रेशर नो डाउट था, लेकिन पाकिस्तानी टीम का प्रेशर भी विराट कोहली के ऊपर था कि उन्होंने उसको कई बार आउट किया हुआ है और नसीम शाह जो है वो अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं, उन्होंने वही किया। और जब आउट हुआ विराट तो मुझे लगा कि लो जी अब शुरुआत हो गई है, अब कोलैप्स करेगी। और लेकिन यह है कि कोलैप्स आहिस्ता आहिस्ता करेगी, ये कोशिश करेंगे इसको 100 के अंदर आउट करने की, लेकिन यह है कि इंडिया नॉर्मल वे में जैसे आगे चलता है जो स्ट्रेटजी प्लान है उनका उसके हिसाब से चलेंगे, वही हुआ। लेकिन जाते जाते जो एंड वाली विकेटें गिरी एकदम से उससे झटका लगा और स्कोर जो है बिल्कुल डाउन हो गया, वरना 8 की एवरेज आ रही थी, स्कोर जो है 160 170 बन जाना था और 160-170 स्कोर बहुत बड़ा स्कोर था इस पिच पे। 120 पड़ा तो कुछ लोग कहने लगे कि यार इंडिया हार गई है, तो मैंने कहा हाँ हार गई है अगर ऊपर वाली 3 विकेटें ये नहीं देते। ठीक है वो अजीब तरीके से जनाब जैसे बुमराह ने आउट किया, बाबर जो है टेस्ट आउट कर रहे थे पीछे उन्होंने कैच जबरदस्त ले लिया, इसी तरह क्लैप्स करते गए। जहां पे रिजवान की विकेट बुमराह ने ली वो टर्निंग पॉइंट था, रिजवान को क्या जरूरत है भाई तेरा दिमाग खराब है, राणा बॉल चाहिए सिंगल डबल लेके तू स्कोर बना सकता है सारा। वो यार ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है ठीक है जोश दिखाना इतना भी जरूरत नहीं है, फखर जमान को भेज दिए जाके हिटे मार, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह आउट किया उसने आउट करके शॉट भी मारी आउट किया तो उसने इसकी तरफ देखा जैसे ही वो मुंह इधर किया ना तो हार्दिक पांड्या ने इस तरह किया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें ये तो तुम्हारी गलती है, तो मतलब सीधी मुंह पे बेइज्जती कर रहा है यार। तो छोटी छोटी चीजें थी माइनर यार, गुस्से में हो आप अग्रेशन में हो लेकिन गेम के थ्रू बताओ, गेम करके बताओ। आप जनाब वो बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, उन्हें उन्होंने वही किया है, उन्होंने जैसे रिजवान की विकेट ली उसके बाद तो उन्होंने कहा कि आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। मुझे पता था कैप्टन ने सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात की है रोहित शर्मा ने, क्रेडिट दूंगा उसको कि उसने बॉलिंग चेंज सही टाइम पे सही बॉलर को लगाया है और एग्जैक्ट जगह पे जहां पे विकेट चाहिए थी वहां पे विकेट मिल गई है और वही हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे इंडिया कोलैप्स की है वैसे ही पाकिस्तान कोलैप्स की है, और जहां पे लास्ट बॉल थी और जैसे उन्होंने बॉल करवाई है तो नसीम शाह ने मतलब सेकंड लास्ट बॉल पे चौका या छक्का चौका लगाया और उसके बाद छक्के की ट्राई की लेकिन विराट वहां पे खड़े थे और चौका हो गया। उसके बाद लास्ट बॉल जो हुई वो बेचारे का मुंह देखने वाला था। ये होता है पूरी टीम में मुझे सिर्फ एक बंदा नजर आया है जिसने जिसको लगा है कि यार उसने मैच नहीं हारा, उसने सब कुछ हार दिया है। वो वाकई उस मैच के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब वो क्रिकेट के साथ बाउंडिंग उसकी बड़ी जबरदस्त थी। वो रोना शुरू हो गया वहां पे, वो खड़ा था लास्ट पे और सब हैंडशेक करते हैं मैच जीते हैं तो वो ग्लव्स उतार रहा है साथ रो रहा है, तो मतलब उससे फीलिंग थी। तो कैप्टन मारा और बाकी सारे बस मुंह बनाए एक दूसरे को, चलो कोई नहीं है नेक्स्ट टाइम सही, हम तो रोज ही आते हैं, खैर है हमारा रोज का है, हमारा रोज का। वो बेचारा रो रहा था और शाहीन जो है उसे कह रहा है कि कोई नहीं है होती है कोई नहीं बस चुप कर नसीम शाह को, नसीम शाह को। अब वो वाइड नजर आ रहा था मुझे पाकिस्तानी टीम में, वसीम अकरम, वकार यूनिस, रमीज राजा ऊपर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं, रवि शास्त्री उनके साथ बैठा हुआ है, इतने बड़े लेजेंड बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं भाई सिंगल डबल कर लो, रोटेट कर लो थोड़ा बहुत, तो इस तरह बढ़ सकता है स्कोर, ये क्या जरूरत है, कैप्टन क्या सोच रहा है, क्या हमने बहादुरी दिखानी है, हल्ला शेरी मचानी है, छक्का मार के क्या एक बार पे 6 स्कोर चाहिए जो बढ़ बढ़ के शॉटिंग खेल रहे हो। तो वो ऊपर बैठे कह रहे हैं आपको लेजेंड जो है, उनको पता चल रहा है कि गेम की स्थिति क्या है, सिचुएशन किस तरह है, मतलब इनको पता ही नहीं है। ये जनाब आधे आधे ग्राउंड में पिच में जाके चाटें खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और मेरा भतीजा मुझे पहले कह रहा था इंडिया हार गई है, ले ना चाचू इंडिया हार गई है, आपकी इंडिया तो नोबड़े निकले हैं, वो तो हार गए हैं। मैंने कहा कोई नहीं बेटा अभी स्कोर है पड़ा हुआ, देखते हैं क्या होता है। वही हुआ है, वो बेचारा सोया हुआ था और पीछे इंडिया जीत के 120 टारगेट अचीव नहीं करने दिया। ये बहुत बड़ी सफलता इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको जाती है और बहुत ही अच्छी कारकर्दगी थी कि अंडर प्रेशर नहीं हुए। इंडिया की टीम की हम शुरू से तारीफ ही इसलिए करते हैं कि इंडिया की जो टीम है ना वो चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, हार जीत तो मुकद्दर की बात है, कभी इंडिया हार भी जाता है लेकिन वो कोशिश करते हैं कि जीतने की, अपना जोर एक दफा पूरा लगाते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि इंडियन टीम जो है वो प्रेशराइज नहीं होती, वो अपने ऊपर प्रेशर को लेती नहीं है,
पाकिस्तानी क्या करते हैं, ये प्रेशर को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। इनके ऊपर ये प्रेशर था जी कि पहले इज्जत तो रही को नहीं है, पहले छोटे छोटे मुल्कों से हार गए हैं, अब इंडिया से अगर जीत जाते हैं तो वो सारे जितनी भी पुरानी खामियां हैं, पुरानी जो गलतियां हैं, उनके ऊपर पर्दा आ सकता है। छोटी लेकिन यहाँ बड़ा था बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हुआ कुछ यूं कि वो पर्दे सारे चाक ही होने थे, पाकिस्तान की टीम के नसीब में लिखी हुई है इंसल्ट, और छित्रोल होनी होनी थी इनकी आवाम के हाथों। नसीम शाह रो रहे थे ग्राउंड में, तो नीचे कमेंट्स आ रहे थे उस क्लिप के नीचे भी कि ये ड्रामेबाजी है जी, ये कुछ भी नहीं है, ये रोने धोने से क्या होता है, यहाँ पे कोई मातम हो रहा है, यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, मैच खेलने आए हो, क्रिकेट खेलने आए हो, क्रिकेट को क्रिकेट करके अगर खेलो तो रोने धोने की तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ी हुई है। ये तो अपने वो एक पर्दा रखने वाली बात है जी, कि बाद में अवाम जो है ट्रोलिंग करे तो कहे जी कि नसीम शाह बड़ा सीरियस था मैच के साथ, बाकी लोग नहीं थे। तो यार सब लोगों की एक ही हाल है, जितने भी प्लेयर है ना वो सीरियस गेम को लेके खेलते ही नहीं है यार। यहाँ पे हिट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आराम से खेलते, अंडर प्रेशर होने की जरूरत नहीं थी। जो ओपनिंग प्लेयर थे वो काफी सारा जो रिकवर बनता है स्कोरिंग का वो कर चुके थे, और बिल्कुल लगता ही नहीं था कि पाकिस्तान हार जाएगा मैच। जैसे 72 के ऊपर कोई आउट नहीं था तो ऐसे लग रहा था कि यार आर टीम जो बड़ी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन एकदम से जज्बात बदल गए, ससात बदल गए, इंडियन बॉलर्स ने सही टिका के शाहीनों को, शाहीनों के पर काटे तो वो उड़ के तो अपने स्टेडियम में जा पहुंचे। महाराज जी और काटने के बाद कैसे उड़ेंगे तो बहरहाल ये है कि जो उन्होंने बीच में झुकते नहीं, सीरियस सही है ना, सही बोला ना बिल्कुल, वो बीच में जो झुकते पंजाबी में कहते हैं खम पटन के, और जो इन्होंने झुकते बीच में लगाई है ना वो भी अच्छी थी, और जैसे कटोरे पुत्र और इस तरह के नाम जो दिए गए हैं ना बड़े अच्छे थे वो भी। तो बहरहाल ये है कि चप्पल चोर और पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही ऐसी होनी ही होनी है टीम की, क्योंकि उन्होंने हार नहीं हारना था, वो तो कल भी प्रेडिक्शन हो चुकी थी, और बेशक उन्होंने कम भी स्कोर दिए है ना तो पाकिस्तान फिर भी हारेगा। किसी ने कहा पता नहीं 70 स्कोर बनाते कि 50 स्कोर, तो वो भी नहीं बनना था। शायद हो सकता ना बनता, क्योंकि हारना ही है, इनकी किस्मत में हारना ही लिखा हुआ है, और वो हार के ही आएंगे, और जीत तो इनको मिलनी नहीं है पाकिस्तानियों को। तो बहरहाल ये है कि वीडियो इन्होंने अच्छी क्रिएट की है, अच्छा रोस्ट भी किया है, और अच्छी सलाह मशवरे भी बीच में दिए हैं टीम को, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी टीम को चाहे जितने मर्जी सलाह मशवरे दें, कैप्टन अपने गुरूर में होता है, बाकी अपने अपने हालात में होते हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा होता उधर, और बाकी ये है कि कोई टीम वर्क नहीं है पाकिस्तान का, टीम वर्क हो तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। और बाकी मैंने तो मैच देखे ही नहीं है सीरियसली, या मैं बोलूं कि मैंने ये देखा वो देखा, देखे ही नहीं है मैच। बहरहाल रोस्टिंग अच्छी इन्होंने की है, वो मैंने इंजॉय किया है। बहरहाल जी मुबारकबाद आप लोगों को, बिल्कुल मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और इनकी वीडियो जो है वो ज़बरदस्ती मज़ा आया, देख के इन्जॉय भी किया, और इनकी रिजनल वीडियो के लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।